तो चलो अभी चलते हैं सीधा बैजाताल और जेडी राइडर हमारे पास, और सीधा चलते हैं बैजाताल पे। बैजाताल पे एक मीटअप रखा है, उसके बाद एक ग्रुप है भोपाल का, अगर अगर वो आ गए जल्दी, क्योंकि मैं कल आउट ऑफ सिटी हूँ, ग्वालियर में नहीं हूँ, तो कल मैं बाहर रहूँगा, इस वजह से अगर वो अभी आ गए तो उनसे मिल लेंगे, नहीं आ पाए तो फिर क्या बात गई, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ जैसे मैंने बोला है। तो देखते हैं उन वो ग्रुप से मीटअप हो पाता है या नहीं हो पाता है। अभी फिलहाल बैजाताल पे जा रहे हैं, और बैजाताल पे देखते हैं, पवैया जी का तो कंफर्म है कि वो आ रहे हैं, बाकी एक दो राइडर्स हैं ही, जेडी मेरे साथ में है ही, जो आ रहा है ठीक है, अभी मिलते हैं। और मैंने नया वाइज़र लगाया अभी, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला वाइज़र था उसका लॉक टूट गया था, तो नया वाइज़र है। नया वाइज़र में वाइज़र थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर है, इसलिए मुझे डार्क दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधेरा दिख रहा है भाई साहब। तो जब भी मैं लॉन्ग राइड पे जाऊंगा तो इसको ना ला, दोनों वाइज़र रखूंगा, एक ये भी, ये मॉर्निंग के लिए हो जाएगा, और एक वाइट जो कि नाइट के लिए हो जाएगा, क्योंकि वाइट ज़रूरी है। पुलिस। तो मैंने ये भी सुना है कि देखो गाड़ी का तो सुना था, गाड़ी के कांच पर अगर आप वाइजर लगा वो सॉरी टिंटेड फिल्म लगाओगे तो आपके पास चालान की कार्रवाई होगी, लेकिन मैंने अभी पहली बार सुना है। वैसे एक स्टेट का मैं सुना था जो केरला है, वहाँ पे आपका अगर कलर आपका जब वाइजर होते हैं डार्क होते हैं तो वाइट के अलावा तो उस पर भी चालान है, लेकिन खैर शुक्र है कि हम ग्वालियर में हैं, तो हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर आप बाहर होते तो ऐसा सीन होता। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई साहब, बहुत सारे फ़ायदे हैं भाई साहब छोटी सिटी में रहने के हमारे। तो बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं बैजाताल पे, और थोड़ा सा साइड दे दो रे दादा, साइड दे दो रे, और ये साइड नहीं देगी, बड़ी गाड़ियां साइड नहीं देती हैं रे। ये आ गए अपन, देखो इस वाइजर से मैं रात में चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से चल जाएगी गाड़ी, बस एक चीज़ की दिक्कत है, वो है जितना अंधेरा नहीं है उससे ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है बिकॉज ऑफ डार्क वाइजर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, साफ दिख रहा है भाई साहब। अगर आप अंधे ही हो तो बात ही है नहीं। अरे 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 छपरी इज गॉन मोड, छपरी मोड इज ऑन, अपन आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, जल्दी कोई नहीं है भाई, अपन आराम से पहुंच जाएंगे। छपरी मोड जब ऑन होता है तो वाइजर सब पीछे हो जाते हैं, लेकिन सिटी में, सिटी के बाहर भैया आ जाओ तब पता चलेगा आपको। लो हम अपनी लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, इंडोत्री में इंडिकेटर जला रहा हूँ, भूल गया कि पीछे का तो मैंने हटा ही दिया है नंबर नंबर प्लेट, क्योंकि वो टूट गई है टूटने की वजह से। तो अपन गाड़ी कहाँ पे लगाएंगे, गाड़ी अपन लाएंगे इधर पे, यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे अपन, ये है अपनी प्लेस। ये लगी अपनी गाड़ी, और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है लेकिन उसका बंदा नहीं है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर वो राइडर आते हैं तो मिलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:37, अगर वो आता है तो फिर मिलने चलेंगे, नहीं आता है तो फिर बाद में देखेंगे, है ना, कंटिन्यू करके आगे बताऊंगा। तो भाई लोग ये बताना पड़ा है बड़े दुख के साथ कि वो जो राइडर्स का ग्रुप है वो बहुत लेट है, मतलब मैं क्या ही कमेंट करूं किसी के बारे में, लेकिन बहुत लेट है वो ग्रुप, तो इस वजह से मेरा तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि देखो
मेरे को कल निकलना भी है बाहर, तो मैं तो मिलने से रहा, मैंने सोचा था आज मिल लूँगा। मैंने वेट किया, अप्रॉक्स 9 बज गए हैं अभी, तो 9 बजे तक का वेट किया, लेकिन वो ग्रुप भाई सब पता नहीं कब तक आएगा, बहुत लेट है, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया है उनसे मिलना। तो अब सीधे अपन लोग जाएंगे अपनी चाय की टपरी पे और चाय पियेंगे, उसके बाद अपन सीधा घर। आप लोगों को ही मिलवाना चाह रहा था यार ग्रुप से, जो बाहर के ग्रुप आते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अपन मिल लेंगे उनसे, लेकिन अब सामने वाले इतने लेट हैं तो क्या ही करें। वैसे कल वो ग्रुप रुका भी है, लेकिन कल अपन बाहर हैं तो इसलिए मिलना कैंसिल हो रहा है भाई लोग। मैं पता है सच्ची बताऊँ तो यार मिलना चाह रहा था, क्योंकि एक R15 ग्रुप था वो, तो इसलिए मिलना चाह रहा था, बाकी कुछ वो नहीं था। और राइडर्स जो आते हैं तो भी अच्छा लगता है उनसे मिलने में, बाहर के जो भी आते हैं। वाइजर का होता हूँ, चाहे पता है चाहे कैसा हो, चाहे ब्लैक वाइजर भी हो, उसे दिखता है भाई लोग, सब कुछ दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपका ब्लैक वाइजर है तो दिखेगा नहीं। अब जैसे कि देखो, आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि मेरी लाइट लाइट दिख रही है, लेकिन मुझे सब कुछ दिख रहा है ब्लैक, डार्क ब्लू होने के बाद भी। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं भाई लोग, मिल नहीं पाए, क्या करें, वेट किया मैंने, लेकिन वो बंदे बहुत ही लेट हैं, उसमें क्या ही कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।